हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंचा आर सपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। दोस्तों आज फिर से आए हैं पटियाला 3 BHK कोठी लेके। तो जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाती है कार पार्किंग, जो कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, कोई भी बड़ी कार आप इजी पार्क कर सकते हो। उसके बाद हम अंदर से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आ जाती है हमारी फ्रंट एंट्री। सबसे पहले आपका आता है जाली वाला गेट, उसके बाद आपका हैवी गेट आ जाता है जो कि 8 फीट के लगभग होने वाला है। उसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो डाइनिंग एरिया का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशियस है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डाइनिंग टेबल भी लगाते हो, मतलब 6 सीटर, तो भी आपको स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्रंट पे ही आता है हमारा मॉड्यूलर किचन। किचन यहाँ पर देखोगे अभी थोड़ा सा काम चला, लेकिन आपको फुल कंप्लीट कर वर्क करके देने वाले हैं इसमें। तो ये हमारा मॉड्यूलर किचन रहेगा, जिसमें आपको चिमनी का स्पेस दे दिया है, एडजस्ट फैन के लिए स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपकी विंडो देती है, बाहर से कोई भी आता है तो यहाँ से आप देख सकते हो और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना हो। सिंक वगैरह जो है कंप्लीट यहाँ पर लगा के देने वाले हैं, जो भी टूटीज वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्त जैसे ही किचन से हम निकलते हैं बाहर, तो यहाँ आता है हमारा LED पैनल। LED पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर बना के दे दिया, और यहाँ पर कोई भी डेकोरेशन का सामान यहाँ पर आपको रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो, कि स्पेस यहाँ पर पूरा बना के दिया हुआ है। उसके बाद ही साथ में आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट बेडरूम का जो स्पेस है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है। यहाँ पर बेड लगा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर इतना स्पेस आपको मिल जाता है। और साथ में ही यहाँ पर हमारा रहता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम देखोगे तो वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और टाइल को जो लगभग 8 फीट तक कवर किया गया ताकि नमी की प्रॉब्लम ना है। और यहाँ पर जो है आपको विंडो इसमें इनके लिए स्पेस दे दिया है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पर आ जाती है हमारी यहाँ पर कवर्स पूरी ऊपर तक कवर करके दी हुई है, और साथ में हमारा आता है LED पैनल। LED पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर बना दिया, कोई भी सामान आपने रखना है यहाँ पर तो सभी जगह स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी सामान यहाँ पर अपना रख सकते हो, और यहाँ साइड में भी स्पेस इसमें दिया हुआ है। उसके साथ में आपके बैक साइड की अगर बात करूँ तो बैक साइड में यहाँ पर आता है हमारा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया यहाँ पर आप देखोगे तो एक वॉशिंग मशीन रख के आप इजी अपना मतलब वॉशिंग वगैरह कर सकते हो। स्पेस है यहाँ पर टूटी के लिए स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, और ये 3 BHK कोठी होने वाली है। बाकी यहाँ पर देखो तो फॉल सीलिंग जैसी दिख रही है सेम आपको ऐसे ही मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अपना सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम की एंट्री, और बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर ये बना दिया है। तो ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम यहाँ पर देखोगे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर बेड लगा हुआ है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्रंट में ही हमारा रहती है एक बड़ी LED पैनल, जो कि आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पर जो भी सामान आपने रखना है वो यहाँ पर आप इसके अंदर रख सकते हो। साथ में हमारा रहता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी लगभग जैसा फर्स्ट वॉशरूम था इतना ही स्पेस इसमें भी है, 8 फीट तक टाइल को कवर किया गया है। तो ये था हमारा 2 BHK नीचे, ठीक है, 2 BHK यहाँ पर नीचे बना हुआ है, और 1 BHK हमारा ऊपर है। तो 3 BHK कोठी होने वाली है। तो ऊपर का एरिया हम कवर करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका प्राइस वगैरह क्या होने वाला है। तो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से हमारी आ जाती है। तो ये आ जाता है हमारा ऊपर का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन क्या है बात करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा हमारा किचन बना दिया, और ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो थर्ड बेडरूम यहाँ पर देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर बेड लगने के बाद भी आपका स्पेस मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम लगभग सेम ही साइज़ के, तीनों वॉशरूम यहाँ पर सेम साइज़ के रहेंगे, 8 फीट तक टाइल को कवर किया गया है ताकि नमी की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना आए। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको बैक साइड एरिया। बैक साइड एरिया भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है आपका। अगर इन फ्यूचर आप बनाना चाहते हो यहाँ पर कमरे वगैरह तो बना सकते हो, स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। 2 अगर कमरे बनाते हो तो भी आपके आराम से बन जाएंगे इन फ्यूचर अगर आप बनाना चाहते हो। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से आपको दे दी है, मतलब कोई भी काम है अगर ऊपर जाना है आपको तो स्टेयर्स उसके लिए यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों बात करूँ इसके प्राइस की, इसका जो प्राइस रहेगा 43 लाख रुपये। 120 गज की ये कोठी होने वाली है 3 BHK पटियाला में, नियर सरिंद हाईवे। हाईवे की अगर बात करूँ तो 800 मीटर के लगभग दूरी यहाँ पर इसमें होने वाली है। तो फटाफट से आइए दोस्तों, कॉल कीजिए, बुक कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।